नमस्कार, आप देख रहे हैं शो 24 न्यूज चैनल प्राइम टाइम में। मैं हूं राज शर्मा, आपके साथ बात करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों। कोरोना के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री का भारत दौरा हुआ रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन। दिल्ली में लगा लॉकडाउन, 26 अप्रैल तक बंद रहेगी सभी सेवाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से किया सवाल, किस आधार पर बांटे रेमडेसिविर इंजेक्शन। रिलायंस, टाटा समेत कई बड़ी कंपनियों ने शुरू की ऑक्सीजन की सप्लाई। राहुल गांधी के बाद अब ममता बनर्जी ने भी चुनाव प्रचार को लेकर किया बड़ा ऐलान। ऑक्सीजन पर बेतु का बयान देकर विपक्ष के निशाने पर आए रेल मंत्री पीयूष गोयल। राजस्थान में बेकाबू हुआ कोरोना, हर मिनट खत्म हो रहा एक ऑक्सीजन सिलेंडर। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज होगा कड़ा मुकाबला। सिंगर सोनू निगम ने कहा इस बार नहीं होना चाहिए था कुंभ का मेला। अब खबरें होंगी विस्तार से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अपना भारत दौरा फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। इससे पहले जनवरी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें भारत सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था, लेकिन तब ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा हुआ था। ब्रिटिश पीएमओ ने बयान जारी करते हुए कहा कि पीएम जॉनसन का भारत दौरा कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गई। उच्च न्यायालय ने प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए इन 5 शहरों में तुरंत लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके इसकी जानकारी दी है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह से छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने केंद्र से मदद मांगते हुए कहा कि उन्हें ऑक्सीजन और वैक्सीन की तुरंत आपूर्ति की जाए। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य की उद्धव सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा है कि किस आधार पर राज्यों को रेमडेसिविर की आपूर्ति की जा रही है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नागपुर में 13 और 18 अप्रैल को रेमडेसिविर की एक भी शीशी नहीं पहुंच पाई। इस बारे में राज्य सरकार को तुरंत एक रिपोर्ट जारी करने को भी कहा गया है। देश में लगातार ऑक्सीजन की कमी चल रही है, अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं। इस बीच देश की नामी कंपनियों ने सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई करने की पहल की है। रिलायंस, टाटा, जिंदल जैसी स्टील जैसे बड़े औद्योगिक घरानों ने ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। वहीं सहकारी समिति IIFCO भी ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जिनसे देश के अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन दी जाएगी। बंगाल में चुनाव प्रचार को लेकर कल ही राहुल गांधी ने कोई रैली नहीं करने का ट्वीट किया था। अब मौके की नज़ाकत को समझते हुए ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि वो आने वाले दिनों में कोई भी चुनाव प्रचार नहीं करेगी। बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन राजनेताओं ने ये निर्णय लिया है। वहीं बीजेपी ने अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाने की घोषणा की है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर बयान देकर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। रेल मंत्री ने कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यों को अपने ऑक्सीजन मांग पर नियंत्रण रखना चाहिए, केंद्र अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र पर कोरोना काल में भेदभाव का आरोप लगाया है। राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अस्पतालों का बुरा हाल हो रहा है। हर एक मिनट में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो रहा है। राजधानी जयपुर में आज 2011 नए कोरोना मामले देखे गए, जबकि 10,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस पाए गए। कल ही सीएम गहलोत ने ओपन मीटिंग के द्वारा सबकी राय जानने के बाद प्रदेश में 15 दिन का जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कर दिया है। आईपीएल का 12वां मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। दोनों की टीमों का यह 3रा मैच है। अब तक दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि धोनी के धुरंधर संजू के रॉयल्स को कैसी टक्कर दे पाते हैं। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। सिंगर सोनू निगम ने एक वीडियो बनाकर ये कहा कि इस साल कुंभ का मेला नहीं होना चाहिए था। सोनू निगम कहते हैं कि एक हिंदू होने के नाते उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार कुंभ का आयोजन नहीं करना चाहिए था। वीडियो में सोनू ये भी कहते हैं कि उनके घर में कोरोना पीड़ित होने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ है कि हमें कोरोना को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।
आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए शो 24 के साथ में। और इसके अलावा शो 24 आपसे अपील करता है कि लगातार हो रहे बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए आपको सतर्कता बरतनी होगी, कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा, इसके साथ लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा, अपने मास्क लगाकर हमेशा रखने होंगे और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जब भी आप घर से बाहर निकलें।